Good morning, class. How are you all? Hope so you all are good, all are well. So students, अब आपको साइंस में ही पढ़ाऊँगी, ठीक है? और आई रियली होप सो जो मैंने आपको वर्क सेंड किया था वो आप लोगों ने कर लिया हो. और आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग. ओके, ओपन द पेज नंबर 196. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लाइट के बारे में थोड़ा इंट्रो पहले भी करा दिया था. लाइट का एक चैप्टर मैंने आपको पहले भी कराया है, ठीक है ना, आपके UT 3 में कराया था आई थिंक. तो बस कुछ ये चैप्टर कुछ उससे सिमिलर है, कुछ डिफरेंट है. ओके, तो चलो देखते हैं इसके, हम इसको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करेंगे और रीड भी करेंगे. एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वंस लाइफ. हमें सबको पता है आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है. एक टाइम वो भी था कि जब लोग लैंप में, दियाज में काम करते थे, कैंडल्स में काम करते थे, उस टाइम भी लोग सर्वाइव कर रहे थे. और एक टाइम आ जाए कि अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये है वो है, ऐसे ही होता है. तो अभी कितना मेजर रोल प्ले करती है ये आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कि अब हम हमारा एक डे भी सपोज नहीं कर सकते विदाउट लाइट, ठीक है, ऑफ लाइट, हीट एंड इवन एज साउंड. लाइट की कुछ एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, काफ़ी सारी फॉर्म होती है एनर्जी की, जैसे कि आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी. इस तरह से ही हमारी एक लाइट एनर्जी भी होती है, ठीक है. इन द मॉडर्न एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इवन फॉर अ सिंगल डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. आज के टाइम में हमारी 21st century में ये बड़ा इम्पॉसिबल है कि सोचना कि बिना लाइट के हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम कम्प्लीटली लाइट पे डिपेंड हैं, ठीक है. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी या वो लाइट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन अप करती है उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो उनमें क्या कर रही है, करंट प्रोड्यूस कर रही है, वो उनमें करंट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के मतलब जैसे कि आपके घर में प्रेस आयरन होता है, फैन, वॉशिंग मशीन्स, हीटर, इंडक्शन, एसी, कूलर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक केटल्स, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. और वो सब कब ऑपरेट होते हैं, जब उनमें करंट पास होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करती है उसे क्या कहा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. और ये वायर्स की हेल्प से फ्लो करती है. अभी तो यानी कोई वायरलेस कनेक्शन है कि कोई कनेक्शन दिख भी नहीं रहा है और तभी उनमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है. हुआ है कोई ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है किसी के घर पे, या कोई ऐसा फ़ैन है जिसमें कोई वायर भी नहीं है और तब भी वो हवा दे रहा है, ऐसा नहीं होता ना. तो इन सब में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है. इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट फ्लो इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एक तो इलेक्ट्रिसिटी वो है जो फ्लो कर रही है, ठीक है, आपके घर के बाहर पोल्स होंगे, आपकी स्ट्रीट के बाहर पोल्स होंगे, उन पोल से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, तो वो क्या हो गई, एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, क्योंकि वो फ्लो करके आ रही है. लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी भी होती है कि जो फ्लो नहीं करती, जहाँ पे होती है वहीं पे काम करती है, ठीक है, जहाँ पे होती है वहीं पे काम करती है. इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं क्लास, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, डॉक्टर गिलबर्ट शो दैट एम्बर रबिंग विद कैट्स स्किन एंड डिक. सपोज करो आपने कुछ, ये मैं आपको खुद के एक्सपेरिमेंट से बताती हूँ, आपने सर में काफ़ी सारा ऑयल लगाया हुआ है, आपके जो हेयर्स हैं वो ऑयली है, ठीक है. तो आप क्या करो, एक बलून फुलाओ, बलून को फुला के अपने हेयर्स पे रब करो, ठीक है. जब आप उसको अपने हेयर्स पे रब करोगे ना, और फिर उस बलून को कहीं पे आप स्टिक करोगे, कहीं पे चिपकाओगे, तो आप देखोगे कि वो बलून एकदम चिपक जाएगा वहाँ पे. तो उसका मतलब वहाँ पे चार्ज कंडक्ट हुआ है, पर वो चार्ज कैसा है, आपका स्टैटिक चार्ज है, वो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन वो जहाँ पे है बस वहीं पे रहेगा, कहीं और वो नहीं जा सकता. इस तरह का जो चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज. सपोज करो ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट होता है, आपने क्या किया है, कुछ पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे है, इसने कुछ पेपर्स को पीसेस में कट कर लिया, और आपके हेयर्स में क्या लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, आपके काफ़ी ऑयली हेयर्स हैं. आप अपने हेयर्स पे कॉम्ब को रब करो, ठीक है. जब आप अपने हेयर्स पे कॉम्ब को रब करोगे तो आप देखोगे, उस कॉम्ब को रब करने के बाद उस कॉम्ब से जब आप पेपर को चिपकाने की कोशिश करोगे, अट्रैक्ट करोगे, तो वो उस पर एकदम से चिपक जाएंगे,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें रब करने से एक चार्ज जनरेट हो गया है, एक स्टेटिक चार्ज जनरेट हो गया है जो उसको क्या कर रहा है, अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट थे पीएचडी होल्डर डॉक्टर गिलबर्ट शो दैट एम्बर रबिंग विद एम्बर होता है एक रोड, ठीक है ना, एक स्टील एल्यूमिनियम की रोड होती है कि जब उसको कैट की स्किन से रब किया गया है, ठीक है, तो क्या हुआ, उसने पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट कर लिया कि जब एक इलेक्ट्रिक रोड को या सॉरी एक स्टील रोड को एल्यूमिनियम रोड को उन्होंने रब किया कैट की स्किन से तो उसने अपनी साइड पेपर पीसेस को अट्रैक्ट किया। सेम ऐसे ही जब ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क से रब किया तो वो भी उस पर चिपक गया। इट डेवलप अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टीनी बिट्स ऑफ पेपर ड्राई स्ट्रो एंड ऑल्सो डेवलप सिमिलर प्रॉपर्टीज वैन रब अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब अब देखो करंट तो हमें पता लग गया, इलेक्ट्रिसिटी पता लग गई, लेकिन ये करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, क्या ऐसी चीज़ है जो करंट को फ्लो करा रही है, तो वो होता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारे केमिस्ट्री में या हमारी फिजिक्स में तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें आप डिटेल में क्लास 9th में पढ़ोगे। अभी बस ऐसे ही एक ओवरव्यू है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी नॉन लिविंग वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल है वो सब किससे मिलके बनते हैं, एटम से। और कोई भी एटम किससे मिलके बना है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, दैट इज़ प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किस किस से मिलके बनता है बेटा, प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। अब जो आपका प्रोटोन होता है, प्रोटोन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसको इस तरह से ध्यान रखना, P4 प्रोटोन तो P से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब नो एनी चार्ज, और जो बचा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वेन एवर इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस देन इलेक्ट्रिसिटी वुड बी कंडक्ट। ओके, क्लियर है। अब हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, द इंसुलेटर्स एंड द कंडक्टर्स। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा अबाउट इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर, वॉट आर इंसुलेटर्स एंड वॉट आर कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखो आपने कभी सोचा है कि जो यहाँ पे सपोज आप किससे कर सकते हो, कोई स्टील है, कोई आयरन पीस है, आयरन की रोड है, जब आप उस अगर वो हमने करंट के पास लेके गए तो हमें करंट लग जाता है, लेकिन अगर कोई लकड़ी का या वुड पीस होता है हम उसको पास में लेके जाएं उससे कोई करंट नहीं लगता, प्लास्टिक से कोई करंट नहीं लगता। तो इस तरह से दो मटेरियल होते हैं जिनसे करंट लग जाता है उनको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, और इंसुलेटर क्या होता है, जिनसे करंट नहीं लगता। तो कंडक्टर कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ईजली। ठीक है, द मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो ईजली इज कॉल्ड कंडक्टर। वो मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ईजली फ्लो कर जाती है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। द मटेरियल द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट बी पास इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो कंडक्टर इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स क्या होंगे आपके, प्लास्टिक, वुड, रबर, ठीक है ना, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। और कंडक्टर में क्या क्या जाएगा, वाटर, पानी से, पानी में बहुत करंट लगता है आपका, एल्यूमिनियम रोड, स्टील रोड, ठीक है, ये सब क्या है, क्या होंगे आपके कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजली पास हो जाती है वो कहलाता है कंडक्टर, और जिससे नहीं होती वो, और जिससे फ्लो नहीं होता उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। ओके, तो हमें जब भी हम कोई वायरिंग का काम करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी इंसुलेटर के कांटेक्ट में हों, ना कि कंडक्टर के कांटेक्ट में। अगर कंडक्टर के कांटेक्ट में होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अगर हम इंसुलेटर के कांटेक्ट में होंगे तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको इतना, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना। ओके चलो अब हम आगे चलते हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितनी तरह का होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा, जो प्लस के थ्रू दिखाएगा हमें, और नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू होगा, नेगेटिव सिंबल मतलब माइनस के थ्रू होगा। ये दोनों किसने बताए थे, ये दोनों बताए थे हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे सर बेंजामिन फ्रैंकलिन,
ने बताया था कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, वहाँ पे किसका फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आपका होता है प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट ले लेते हैं आपको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो जो चार्ज है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, दो तो हमारे हो गए, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। अब पॉसिबिलिटीज किस किस की रही है कि हमारे दोनों चार्ज कैसे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव हो, या दोनों चार्ज कैसे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमेशा हमें कहीं पे भी दो चार्ज मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है वो, नेगेटिव नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव भी और नेगेटिव पॉजिटिव भी। तो क्लास ये आप हमेशा ध्यान रखोगे, और आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि आपके सॉरी जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक मतलब जो एक जैसे होते हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको पढ़ाया था। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरह के चार्जेस को हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस कहते हैं। तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब रिपेल का मतलब क्या होता है और अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। रिपेल का मतलब होता है, रिपेल का मतलब होता है दूर जाना, और अट्रैक्ट का मतलब होता है पास आना। अगर आप लोगों को याद हो, इफ़ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, साउथ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मुझे याद है मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो वैसे ही जो भी लाइक होता है, मतलब जो सेम होते हैं वो दूसरे से दूर भागते हैं, और जो क्या होते हैं, जो अनलाइक होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो इस तरह से चार्ज क्या होता है, कंडक्ट होता है। और हमारे साइंस में दो ही तरह के चार्ज होते हैं, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। सो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, इफ़ अ बॉडी इज ब्राउड इन कॉन्टेक्ट विद अ चार्ज बॉडी इट ऑल्सो गेट चार्ज एंड द चार्ज एक्वायर बाय इट इज सिमिलर टू द चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी। देखो अगर कोई चार्ज बॉडी है, मतलब उसमें करंट पास हो रहा है, और मैंने उसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरी बॉडी रख दी, तो उसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और सेम उतनी ही क्वान्टिटी का चार्ज होगा जितनी कि फर्स्ट बॉडी में है। सपोज करो आपके पास एक लोहे की रोड है, ठीक है, एक मेटल रोड है, उसमें करंट पास हो रहा है, आपने उसके कॉन्टैक्ट में अगर दूसरी मेटल रोड रख दी तो उसमें भी करंट पास होने लगेगा, और सेम उतना ही करंट पास होगा जितना कि फर्स्ट में हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन शो दिस बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, उसने एक आगे एक्टिविटी दी है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। टेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बेल जार, ठीक है, इसने गोल्ड लीफ ली है, और जिसको ठीक है इलेक्ट्रोस्कोप की गोल्ड लीफ जिसको उसने क्या किया है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास बेल जार फिटेड विद अ कॉर्क। देखो ये इस डायग्राम की बात कर रहा है, ठीक है, इसने क्या लिया है, एक गोल्ड लीफ ली है, हियर इज द गोल्ड लीफ, ठीक है, और जिस एक बीकर में ले लिया, एक कंटेनर में ले लिया है, ये गोल्ड लीफ होती है जो किसके थ्रू, एक बेल जार इसको बोलते हैं जिसमें अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं आ सकती, बिल्कुल जो एयर टाइट है, तो ये बिल्कुल बंद है, इसमें ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, ये होता है कॉर्क जो अंदर के मटेरियल को बाहर ना जाने दे और बाहर के मटेरियल को अंदर ना आने दे। इस कॉर्क से क्या अटैच है, एक मेटल की डिस्क अटैच है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इनके बीच में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इनके जब यहाँ से फ्लो कराएंगे, चलो हम आगे देख लेते हैं। द ग्लास जार रेस्ट ऑन, जो ग्लास जार है इसको एक वुडन बॉक्स, वुडन बेस पे रखा हुआ है, इसके नीचे एक वुडन का बेस है, ठीक है, उसके ऊपर कॉर्क है, और कॉर्क के ऊपर एक मेटल रोड अटैच है, वो हम लोग देख चुके हैं। अब होगा क्या, नाउ रब अ ग्लास रोड टू ड्राई पीस ऑफ अ सिल्क, इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, प्लेस इट नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड टच द बोथ, यू विल नोटिस दैट द गोल्ड लीफ
डाइवर्ज। देखो होगा क्या, ये हमारी इलेक्ट्रिक मेटल रोड है, मेटल रोड को हमने क्या किया, एक सिल्क के सिल्क पे रब किया, सिल्क पीस ऑफ सिल्क पे हमने इसको रब किया, तो उससे क्या हुआ, उस पर चार्ज जनरेट हो गया। तो जब हमने इसको इस थ्रेड से, जो ये थ्रेड आ रहा है, जब हमने इसको इससे इसके कॉन्टेक्ट में लेके आया, इससे टच किया, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी ये क्या थी, गोल्ड लीव थी, ये ऐसे थी, ठीक है, ये इस तरह से थी, लेकिन इसकी एकदम सडनली पोजिशन चेंज हो गई और ये इस शेप में आ गई, इस तरह से ये इसमें आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्जिंग हुआ है, ये डाइवर्ज हो गया अपनी पोजीशन से, और किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे ये करंट, इसमें करंट था, तो इसमें भी क्या हो गया है, करंट प्रोड्यूस हो गया है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो करंट है वो दूसरे से क्या हो जाता है, पास आउट होता है, और यही मैकेनिज्म क्या कहलाता है, कंडक्शन। और जिसमें करंट पास होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। कंडक्शन क्या होता है, जब एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में करंट पास होता है तो वही क्या कहलाता है, आपका कंडक्शन कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक आज के लिए हमें ये इनफ है, ज़्यादा आप लोग एक साथ पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इतने आप इसको पढ़िए। और जो आपका और ज़्यादा होमवर्क है वो ये होगा कि आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, दिस क्वेश्चंस को, ठीक है, और इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इतने, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।